हेलो गाइस, बहुत दिन बाद आज फाइनली मुझे मौका मिला है एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। एकदम ही टाइम नहीं मिलता मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। मैं एक चैनल हालांकि शुरू किया था और आप लोगों से बहुत सारा प्यार मिला था मुझे। मैंने जो वीडियो डाला था पहले वाला दार्जिलिंग के छोटा मंगुआ को लेके, जिसका लिंक आपके ऊपर में मिलेगा, वो वीडियो बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों की तरफ से। मुझे 1800 से ऊपर ऑलमोस्ट 2000 के करीब व्यूज़ मिले हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। तो बीच में मैं घूमने भी गया था एक्चुअली होली के टाइम में, उसके वीडियो में अभी डालूंगा। हालांकि मुझे वही सेम है, टाइम नहीं मिल रहा है, वीडियो शूटेड है ऑलमोस्ट, मुझे बस डालना है उसको एडिट करके थोड़ा। आज का ब्लॉग कुछ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेके मैं किया हूँ। यूट्यूब वीडियो करने के लिए मैंने एक कैमरा भी लिया था और साथ में एक मेरा एक पैशन था, पहले एक हॉबी भी बोल सकते हैं आपकी, फोटोग्राफी करना, जो मुझे अभी जाके मेरा मतलब हो रहा है। मैं एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल किया हूँ जिसका लिंक आपको नीचे में मिल जाएगा, जिसका नाम है कौस्तव_पिक्सेल। सो यू कैन विजिट दैट चैनल, आप देख सकते हैं मेरा खिंचा हुआ कुछ फोटोज़ है। जस्ट स्टार्ट किया हूँ तो उसके कारण से मैंने एक कैमरा लिया हूँ नया वाला, जिसका मॉडल है कैनन M50 Mark II मिररलेस। एक कैमरा लिया हूँ जो SLR है। और 3 लेंस लिया हूँ और कुछ कुछ एक्सेसरीज लिया हूँ। अभी जो देखिए, कैमरा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी के दिन में सब कोई कैमरा लेता है, लेकिन बढ़िया जब से बड़ी जो बात होता है उसको मेंटेनेंस करना, कैमरा कैसे रहे, उसमें फंगस ना होना। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कैमरा और कैमरे के लेंसेस में कि उसमें फंगस जम जाता है, जो जिसका रिलेशन है आपका मॉइस्चर से लेके, वेदर मॉइस्चर कंटेंट लेके। एक्चुअली मेरा घर जहाँ पर है वो आपका ट्रॉपिकल वेदर जैसे, ये सब कुछ मिक्स्ड वेदर है। वहाँ पर ठंड के टाइम में ठंडी, गर्मी के टाइम में गर्मी, ये है आपका वेदर में मॉइस्चर भी मिलता है बरसात के टाइम में, बारिश के टाइम में ठंडा हालांकि ज़्यादा है थोड़ा। मेरे इधर में ऑलमोस्ट मॉइस्चर कंटेंट जो रहता है वेदर में 50-55%, जो भी कैमरा के लिए ठीक नहीं है एक्चुअली। और कोस्टल रीजन में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ख़राब है, उन लोगों का मॉइस्चर कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है वेदर में, ये सब मॉइस्चर। इसलिए हम लोग देखिए, जैसे पहले हम लोगों को सबको ये पता है कि जितना हम लोग सी की जगह पर नज़दीक के सी रीजन में कोस्टल एरियाज में कैमरा जितना कम लेके जाए उतना अच्छा है। क्यों? ड्यू टू दैट वन ओनली, मॉइस्चर। तो हम लोग ऐसे एडवाइस करते हैं कि अगर आप कोस्टल में घूमने जाओ तो वो कैमरा फोटो वगैरह करके लेके आके उसका आप सर्विसिंग में डालो। ये बहुत कुछ हम लोग का क्राइटेरियाज होते हैं। तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, जो कि देखिए हर किसी का बस में वो होता नहीं है कि एक ड्राई कैबिनेट खरीदो, जो जिसका आपका छोटे वाले का दाम है 4,500-5,000 में हालांकि मिलता है, लेकिन वो छोटा है, बहुत छोटा है। उसमें आपका एक कैमरा और एक दो लेंसेस होगा मैक्सिमम, हार्ड टू हार्ड 2 लेंसेज जा सकता है उसमें, बाकी कुछ आप नहीं डाल सकते उसमें एक्सेसरीज। जैसे कि मैं आपको एडवाइस करूँगा कैमरे के साथ बैटरी भी रखिए उसमें। इसके लिए ज़्यादा अच्छा वाला लेंगे तो 10-11-12 ऐसा हो जाता है। जैसे मैं एक कैमरा खरीदा, लेंस खरीदा, तो उसमें बहुत इन्वेस्ट भी हो गया पहले में। बिगिनर्स लोगों के लिए मैं एक एडवाइस करूंगा, ड्राई कैबिनेट के बगैर वो बिना जाके पहले ही आप ड्राई कैबिनेट मत खरीदें। ड्राई कैबिनेट में इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होता है, कम होता है लेकिन होता है, आपको हर वक्त लगा के उसमें रखना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। उसके अलावा एक उपाय मैंने, जैसे कि यूट्यूब में मैं सर्च किया था तो मुझे एक उपाय मिला था, लेकिन उसके रिलेटेड सिर्फ 2 से 3 वीडियो मुझे मिला जो कि मेरा उस सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो उस टाइम में मैं सोचा कि एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसको लेके। ये क्या चीज़ है? ये एक एयर टाइट बॉक्स है। इसमें आप अच्छे से आपका कैमरा और लेंसेस मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? बात है कि कैसे और क्या क्या चाहिए, इसमें कितना खर्चा है। देखिए, दिस इज सिंपली अ एयर टाइट बॉक्स। ये एक एयर टाइट बॉक्स होता है। बॉक्स खरीदना ही आपका सबसे बड़ा जो इसमें है मेन है ये बॉक्स। इसको आपको देखना पड़ेगा आपका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, चौड़ाई कितना है, इसमें सब कुछ आएगा कि नहीं, हाँ ये सब देखना पड़ता है। इसमें एक्चुअली जो मेन फैक्टर है वो है कि एयर टाइट वाला जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखिए एयर टाइट सिस्टम, देखिए ऐसे 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 खोलता है और इसमें घुमाने के बाद आपको यहाँ पर एक जैसे ब्लू कलर का एक जो मिल रहा है एयर टाइट वाला सील है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये एक बॉक्स खरीदा और पहले मैं आपको एक मीटर दिखा देता हूँ। ये मीटर में एक्चुअली अभी 41% शो कर रहा था, आप देखिए अभी ये 42% शो कर रहा है। ये मॉइस्चर कंट्रोल है और साथ में अभी इसके साथ एक टेम्परेचर है, ये जितना बाहर रहेगा बॉक्स से ये बढ़ता जाएगा। पहले ये 41 शो कर रहा था, अभी 42 शो कर रहा था, शायद 43 भी हो गया। देखिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, 43 भी हो गया। क्यों? क्योंकि वेदर में मॉइस्चर है, ये इंडिकेट कर रहा है मॉइस्चर है।
ये मैं आपको दिखा दिया, ये एक मीटर है, इसको बोलते हैं मॉइस्चर मीटर। देखिए 44 हो गया, ये बढ़ता जाएगा। ओके फाइन, और इसके अंदर में क्या रहता है, एक ऐसा एक नेट जैसा रहता है, सेपरेटिंग नेट। और देखिए आप देख पा रहे हैं कि कैमरे का कंटेंट कितना कम है, इसमें 3 लेंसेज है, मेरा कैमरा है और बैटरीज भी है, ऊपर में कितना स्पेसेस लेफ्ट है। आप इसमें बड़ा वाला जो टेलीफोटो लेंसेज आते हैं आपको, जैसे सिग्मा हो गया, कैनन हो गया, निकन का हो गया, जो 500-600 mm लेंसेज होते हैं, ये भी आपको अच्छे से एकोमोडेट हो जाएगा इसमें। तो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया बॉक्स है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, मेरा जो कैमरा है मार्क टू, ओके, लेंस, एक लेंस, दो लेंस और ये तीसरा लेंस, ओके, ये सब इसमें है। मैं इसका और एक अच्छे से एक वीडियो मैंने बनाया हूँ दिन में, वो मैं आपको दे दूंगा इसके बाद, उसको भी अच्छे से देख लीजिए। और ये बैटरीज मैंने खरीदा हूँ, एक ओरिजिनल है, बाकी दो एक लोकल मेड है। और इसमें क्या है, ये देखिए मैंने सिलिका जेल रखे हैं, कितने, 5 pieces, 1, 2, 3, 4 and 5। ओके, नाउ कम टू द कॉस्टिंग और इसका फायदा। सी कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि मैं मेरे कैमरा को एयर टाइट बॉक्स में रखूं ताकि उसमें मॉइस्चर ना घुस पाए। अब तो मॉइस्चर एक बार एयर टाइट कर लिया तो उसमें घुसेगा नहीं, आएगा ही नहीं मॉइस्चर बाहर से। लेकिन मॉइस्चर कैसे मेंटेन रहेगा अंदर का, अंदर में तो मॉइस्चर रह जाएगा, अंदर में वो कैसे मेंटेन होगा, वो मॉइस्चर कौन एब्जॉर्ब करेगा, दिस सिलिका जेल विल एब्जॉर्ब दैट मॉइस्चर। छोटा छोटा 5 gram का पैकेट है, ये बहुत ही छोटा साइज है, मैंने ये खरीदा हूँ बहुत कम कॉस्ट में। इसका एक बॉक्स आता है, इसका एक ऐसे करके एक बॉक्स आता है जिसमें आपको जैसे ऑलमोस्ट 40-50 पीसेस रहेगा इसमें, ये एक एक पीसेस है, तो ये वाला एक बॉक्स आएगा। ये जो सिलिका है ये ना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, हवा से मॉइस्चर खींच के, ये बाद में आप इसको डिस्चार्ज मतलब फेंक सकते हो, वन टाइम यूज़ के लिए भी होता है। सो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है ये। टोटल एक पैकेट का मेरा आया इसमें 189 rupees ओनली 189, ठीक है। और ये जो इतना बड़ा बॉक्स है, इतना कुछ मैंने आपको बोला, एयर टाइट बहुत अच्छा बॉक्स, देख के खरीदना है आपको, लिंक सबका मेरा आपका नीचे रहेगा। ये बॉक्स का प्राइस ही सबसे ज़्यादा है जो है 1511 rupees, 1511 अमेजोन से सब लिया हुआ मैंने। इसके अंदर में मैं एक प्लास्टिक डाला हूँ, ये डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हो गया। और ये तो इसके साथ ही था, ठीक है। अब और क्या चाहिए, तो मेरे पास ये बॉक्स जो मेरा हो गया आपका 1511, इसका प्राइस आपको हो गया 189। और ये मीटर का प्राइस, ये जो मीटर है साथ में आपको बैटरी मिल जाएगा, ये मीटर का प्राइस है सिर्फ 350 rupees है, 350 rupees का मीटर है। सो आप जोर के देखिए, हार्डली 2000 भी नहीं होगा, 2000 के अंडर में ये जो मैंने खरीदा हो ये साल भर रह जाएगा, साल से ज़्यादा रह जाएगा, एक्चुअली बहुत दिन रह जाएगा। सिर्फ आपको बीच में ये शायद खरीदना पड़े, वो भी आप देख लीजिए, 5 pieces बहुत दिन चलता है ये, ऑलमोस्ट आपका 3 महीने तो मैं कम बोल रहा हूँ, 6 महीने तक चल जाता है ये जो सिलिका जेल है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए, व्हाट इज द फेवरेबल मॉइस्चर लिमिट, रेंज क्या होता है कैमरेज के लिए, सबसे बढ़िया रेंज होता है 35% to 45% इन बिटवीन, इसके अंदर रहने से ही आपका परफेक्ट है, जो फंगस नहीं लगेगा आपको कैमराज में, लेंसेज में। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे ये 35% शो करेगा सो इट्स ओके, एंड 45% ऑल्सो इट्स ओके, जितना 35 से नीचे जाएगा 34, 33, 32, 31, 30 जितना नीचे आपका इसका जाता रहेगा परसेंटेज, आपको क्या करना है, आपको अंदर में रहा जो सिलिका जेल है उसको कम करना है, याद रखिए कम करना है। जैसे आप देख रहे हैं ये शो कर रहे हैं 32%, एक सिलिका जेल निकाल लीजिए फिर देखिए ओवरनाइट रख के क्या आता है रिजल्ट। अगर देख रहे हैं आप 30 जैसा जा रहा है तो 2 सिलिका जेल का पैकेट निकाल लीजिए, ऐसे करके आप एक्सपेरिमेंट करके आपको समझ में आ जाएगा परफेक्ट सेटिंग इसका क्या रहेगा। ये हो गया नीचे के जो आपका मीटर है, ऊपर जैसे जाएगा 45 से ऊपर जैसा आपका मॉइस्चर मतलब वेदर में आपका अंदर में एयर में मॉइस्चर ज़्यादा है तो मुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा सिलिका जेल ऐड करना है उसमें, ये जो जेल पैकेट है एक्स्ट्रा ऐड करना है। जैसे आपका शो कर रहा है 47, 48, एक पैकेट यूज़ कीजिए, सिंपल एक वाला, ये 1 packet डाल दीजिए अंदर, ओवरनाइट देखिए कितना शो कर रहा है। डालने के बाद आप देख रहे हैं कि 46 जैसा आ रहा है, फिर दूसरा पैकेट डालिए, ऐसे करके अगर 50 के ऊपर दिखा रहा है एक पहले बार में 2 packet डाल दीजिए, ठीक है। तो आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं, आप 5 packet से स्ट्राइक कीजिए शुरुआत में, ये 5 packet डाल के देखिए, मेरा 5 packet डाला हुआ था, मेरा मीटर में 41-42 शो कर रहा था जो कि 35 to 45 रेंज के अंदर है, ठीक है। तो यही है कितना कम इन्वेस्टमेंट में मैं ड्राई कैबिनेट घर का खुद का बना लिया हूँ इजिली।
और बॉक्स के अंदर मैं कैसे रखा हूँ इसको, कितना क्या, उसके लिए मैं इसके बाद और एक मैं एक वीडियो डाल दूंगा जो मैंने दिन में शूट किया था, वो आप देख लीजिए। तो फ्रेंड देखिए, ये है मेरा ड्राई बॉक्स जो बहुत अभी भी स्पेसेस बहुत बाकी है ऊपर में। और ये जो आपका मीटर वाला ये जो डिजिटल डिस्प्ले है, इसमें देखिए 42% जो है ये ह्यूमिडिटी का रेंज है, और ये ऊपर 27.5 जो है वो सेल्सियस भी बताता है, डिग्री जो टेम्परेचर है हम लोग। तो 42% जो है ये रेंज आपको होना चाहिए 35 से 45 के बीच। अगर ये आप रख पाएंगे तो आपका लेंस में फंगस नहीं जमेगा। तो जैसे कि देख रहे हैं, आपका दूसरा लेंसेज भी ऊपर में आ जाएगा क्योंकि ये लेंथ वाइज अच्छा लंबा है। ये देख लीजिए, ये लेंथ वाइज अच्छा ही लंबा है। तो इसमें आपका अगर टेलीफोटो लेंस भी आप डालेंगे इसमें आराम से आ जाएगा, आराम से ये टेलीफोटो लेंस यहाँ पर आप रख पाएंगे। देखिए ऐसा है, तो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो कुछ ऐसा है। ये है मेरा मीटर, देखिए ये आपको फ्लक्चुएट करता रहता है, पीछे में बैटरी है। ओके, एंड फॉलोड बाय माय कैमरा सेक्शंस जो ऐसे रखा हुआ है, देख लीजिए। दिस इज द कैमरा, ये दो लेंसेज है, प्राइम है ये, प्राइम लेंस। ये कैनन का लेंस है जो साथ में दिया था आपका, 1850 का है। ये वाला आपका 55-250 का लेंस है। तो ऐसा है मेरा सेटअप। बैटरी भी मैंने यहाँ पर रखा है, 3 बैटरी दिख रहे हैं आप, 1, 2 एंड 3। सो ये है आपका जेल, ऐसे ट्राई करके देखना है कि कितना पीसेज में क्या रेंज दिखा रहा है आपका। ये है आपका, मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा आपको कहाँ से मैंने खरीदा क्या है। ये दिस इज द लेंस, दिस सिलिका जेल डिसीजन, छोटा वाला मैंने मंगा है, सबसे छोटा वाला, क्योंकि इसमें इजी होता है ऐड करने के लिए। ये आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आपको पहले 3 डाल के देखना है, फिर 4 डाल के देखना है, फिर 5 डाल के देखना है। इसमें और भी स्पेसेस है, देख रहे हैं जैसे बहुत स्पेस है। आप इसमें बहुत कुछ और भी लेंसेज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रख सकते हैं। और ये एयर टाइट बॉक्स है, फुल एयर टाइट है। तो मुझे दोस्तों, फ्रेंड्स लोग सबको यही बोलना है, पहले ही ड्राई कैबिनेट मत खरीदे, इलेक्ट्रॉनिक ड्राई कैबिनेट मत खरीदे, पहले बेसिक से शुरू कीजिए। ये DIY प्रोडक्ट है, मतलब डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट है। ये कहाँ से खरीदना है, क्या खरीदना है, सब कुछ मैं दे दूंगा, ओनली 2000 के अंदर में सब कुछ रेडी। यूज़ कीजिए ना ऐसे, फिर जितना जैसे आपका दिन जाएगा आप खरीदे, आप अच्छा फोटोग्राफर बनिए खरीदे, अच्छा यूट्यूब वीडियो बनाइए खरीदे। लेकिन ध्यान रहे, इसमें मॉइस्चर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आपको मॉइस्चर कंट्रोल अगर नहीं करेंगे ना, ये जो आपका लेंसेज के अंदर जो जगह है ना, यहाँ पर सब मॉइस्चर्स वगैरह, सेंसर्स में मॉइस्चर घुस जाएगा, लेंस के बॉडी में मॉइस्चर घुस जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से आपको रखना पड़ेगा आपको। ओके गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। ये हिंदी में शायद एक या दो वीडियो ही है मेरा वाला, इसके लिए मैं हिंदी में आपको डाला है कि ऑल इंडिया के लिए ये इजी रहेगा समझना ड्राई कैबिनेट का क्या होता है। सो मैं डिटेल्स में आपको दे दूंगा, लिंक में सब रहेगा नीचे में, लिंक आप शो कीजिए। और याद रखिए, डू कीप सपोर्टिंग मी। और हाँ, जैसे मैं पहले बोला था, मैं होली में घूमने गया था, कहाँ घूमने गया था उसका लिंक आपका ऊपर आई बटन में जा रहा होगा, वो प्लीज़ आप जाइए आई बटन में क्लिक कीजिए और मेरा वीडियो जो आप मैं नया बनाऊँ उसको देखकर मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू, आप सबके दिन अच्छे रहे। ये कोविड का, और एक चीज़, अभी कोविड फिर से आ रहा है, सो डू वेयर मास्क एंड फॉलो द प्रोटोकॉल्स, डू टेक वैक्सीन्स, प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस थिंग, दिस इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन नाउ। सो प्लीज़ थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सब मिलकर ये कोविड सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, इसको जीत सकते हैं। Thank you guys. Hope you like this video. Keep supporting me. Bye.